उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चले। घटना में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। फतेहपुर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस असहाय दिख रही है। ताजा विवाद रविवार रात करीब 8 बजे हैंडपंप से पानी भरने को लेकर हुआ। विवाद के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष के एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के मढ़ियाखेड़ा गाँव में रविवार बीती रात पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दोनों तरफ से जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। संघर्ष में एक पक्ष के लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को भी मामूली चोट आई है। मामले की जानकारी होते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फतेहपुर में लगातार अपराध हो रहे हैं, लेकिन खाकी का नियंत्रण ना तो अपराध पर है और ना ही अपराधियों पर। बेखौफ होकर लोग मारपीट, लड़ाई, बलात्कार, हत्या सहित अन्य घटनाएं कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर पुलिस का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फतेहपुर से संवाददाता नागेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना जाफरगंज क्षेत्र के मढ़ियाखेड़ा गांव में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 1 वृद्ध की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।